नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। देख सकते हैं ये हमारे पास BS6 है, स्प्लेंडर है, देख सकते हैं BS6 है, FI वाली वेरिएंट है। तो इसका क्या करना है हमें, इसका लाइट जो है वो डायरेक्ट रहता है, तो इसे हम एक स्विच के मदद से क्या करेंगे, इसके लाइट को कट कर देंगे। आप जलाना चाहे तो जला सकते हैं, बुझाना चाहे तो बुझा सकते हैं। गाड़ी देख लीजिए बिल्कुल नई है, 426 किलोमीटर चली है। तो कैसे आपको कट करना, देखिए यहाँ पर मैंने स्विच ले लिया है, स्विस कंपनी का, देख सकते हैं आप, स्विस कंपनी का मैंने ये ले लिया है। और इस तरह से मैंने यहाँ से वायर को लाया है, देख सकते हैं ये दो वायर हैं। तो मैं इसे तो ओपन कर चुका हूँ, वो नहीं दिखा पाया कैसे ओपन करना है। तो देखिए मैं कैसे इसका कनेक्शन करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देख सकते हैं ये दो वायर है जो स्विच का है, और एक वायर ये जो वाइट वाला वायर है जो इसके हेडलाइट में गया है। तो वाइट वाले वायर में हम क्या करेंगे, बिना तार को कट किए बिना, देख सकते हैं आप, इसे हम यहाँ दे देंगे इस तरह से, यहाँ आपको ऐसे दे देना है और इसे हमने यहाँ दे दिया। और इसे टेप कर लेता हूँ इस तरह से, आपको अच्छी तरह से टेप कर लेना है। ये हमारा टेप हो चुका है, देख सकते हैं आप। और ये दूसरा जो ब्लैक वाला वायर आया है, और जहाँ से मैंने वाइट वाले वायर को निकाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाइट वाला वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं ये हो चुका है मेरा, मैंने किसी भी वायरिंग को कट नहीं किया। और ये हमारा हेडलाइट है, अब मैं जला के आपको दिखा देता हूँ और बुझा कर देखता हूँ। ये मैंने गाड़ी को ऑन कर लिया और यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं। तो ये हमारा गाड़ी, देखिए लाइट हमारा, देखिए जल रहा है, और यहाँ से मैं ऑफ करूँगा, देखिए बंद हो जाएगा, देख सकते हैं ये। और यहाँ से आप अपर डिपर कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से दोस्तों देख सकते हैं, बिना वायर को मैंने कट किए हुए इसका लाइट को मैंने जलाने और बुझाने का एक स्विच बना दिया, जिससे आपकी बैटरी की बचत होगी। तो इसे मैं अब हीट कर देता हूँ, तो इस तरह से आपको फिर इसे हीट कर लेना है। तो इसे मैं अब बंद कर देता हूँ, तो इसे मैं यहाँ 12 नंबर का दो बोल्ट है इसे लगा लेता हूँ, उसके बाद इसके वाइजर को मैं कर लेता हूँ। फिर मैं ऐसे लगा लूँगा यहाँ पे, और एक बोल्ट इस साइड का है, दो वाशर होता है, तो इसे ऐसे में यहाँ पे आपको फुल टाइट कर लेना है। और स्टेटर का वायर है, ये भी मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। और इस तरह से 12 नंबर का रिंग रिंच रखना है, और आपको फुल टाइट कर लेना है दोनों साइड। ये वाइजर हो गया, वाइजर को मैं ऐसे ले लिया, और यहाँ से इंडिकेटर का वायर है, यहाँ से आपको ऐसे ले लेना है इस वायर को, ऐसे ले लेंगे इस वायर को, हम यहाँ से ले लेंगे, देख सकते हैं ये निगेटिव का है ग्रीन वाला, तो इसे मैंने निगेटिव में दे दिया। और ये पॉजिटिव का है, ये ऑरेंज वाला, तो इसे मैंने यहाँ ऑरेंज में दे दिया। और इधर से दो वायर आया हुआ है इंडिकेटर का, लेफ्ट साइड का, तो ये मैं दे दूंगा यहाँ निगेटिव में। और ये मैंने दे दिया पॉजिटिव में, देख सकते हैं। अब यहाँ से ऑन करते हैं और इसके इंडिकेटर को जला कर दिखाते हैं, देख सकते हैं। राइट का मैंने दिया तो राइट का जल रहा है, और लेफ्ट का दूंगा तो लेफ्ट का जल रहा है। और इस तरह से आपको वाइजर को ऐसा सेट कर लेना है, और दोनों साइड 10 mm का बोल्ट होता है, वो मैं लगा करके दिखा देता हूँ। तो ये लग लिया, और 10 mm का दो बोल्ट है, इस तरह से फुल टाइट कर दिया मैंने, से भी मैंने दूसरे साइड फुल कर दिया टाइट, देख सकते हैं यहाँ से। तो इसी तरह आप लगा सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने स्विच को फिट किया है, जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं हमारी लाइट जल रही है, और यहाँ से हम ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, देख सकते हैं बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ से हमारी लाइट जल रही है, और मैंने यहाँ से ऑफ किया, ऑफ हो गया।
तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह का टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो से बने रहिए। तो इसी तरह का मैं लेकर आते रहूँगा टेक्निकल वीडियो। थैंक यू दोस्तों।